भागलपुर नगर निगम की चुनाव की चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। भागलपुर क्षेत्र की बात करें तो वार्ड पार्षद अभी से ही अपना मेहनत अपने क्षेत्र में शुरू कर दिए हैं। कुमारी कल्पना, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 48, नगर निगम भागलपुर। नगर निगम से संबंधित जो काम होता है हम बहुत चढ़ बढ़ के उसको नगर निगम से ला के करने का काम करते हैं। जनता के लिए जो विकास किए हैं वो मेरा वार्ड में दिख रहा है। मेरा जनता से आप लोग पूछिए, मेरा जनता इसके लिए बता सकते हैं। इसमें हम क्या बताएं, कितना हम जनता के बीच खड़े उतरे हैं, इसका जवाब तो हमारे जनता ही दे सकते हैं। भोलानाथ पुल में जो पानी टंकी है वहाँ पर 42 साल के बाद एक डीप बोरिंग करवाए हैं। उसके बाद बहुत ऐसा नाला रोड है जो 50 साल से नहीं बना था, जैसे मोनू मिश्रा के घर से डीसी रार के घर तक के नाला बन रहा है। कुम्हार टोली रोड 50 साल से नहीं बना था, आधा पहले बना था, आधा अभी बन रहा है। गोराडी मुख्य मार्ग में जो आधा शहर के पानी 47-48 दोनों का पानी जा रहा था, बहुत विवाद था। देहाती क्षेत्र में ऐसे जमा हो रहा था किन्हीं का खेत में, उसके लिए बहुत बड़ा नाला बनाने का काम किया है। और भी वार्ड में बहुत जगह ऐसा है जो नाला रोड बहुत सालों से नहीं बना था, वहाँ नाला बनवाने का काम किए हैं, जिससे रोड अभी रोड के तरह हो गया है। लोग अभी गुजर रहे आ जा रहे हैं। नल के लिए अभी तक में हम 3 पियाऊ करा चुके हैं, जो कि पानी का बहुत किल्लत हमारे वार्ड में था। और झोपड़पट्टी के आसपास मेरे वार्ड में 300 से ऊपर घर झोपड़पट्टी का है, बता दें, जिनको पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए हमने 3 पियाऊ बनाने का काम किया है। और आप हमारे जनता के बीच में जाएं और पियाऊ को देखें, कहाँ कहाँ उनको पानी मिल रहा है, क्या उनको सुविधा मिला है, तो मेरा जनता खुद में खुद बताएंगे। हम अपना मुँह से कुछ बताना नहीं चाहते। वृद्धा पेंशन भी तो मेरे वार्ड में बहुत आदमी ने बना था, करीब करीब 200 लोग को विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन मिला के 200 से ऊपर ही बना चुके हैं। राशन कार्ड से बहुत लोग वंचित थे, तो कोरोना काल से लेके अभी तक में, उससे पहले भी कुछ बनाए थे लेकिन कोरोना काल में जम के बनाए, उसके बाद भी बनाए 700 लमसम राशन कार्ड बनाए हैं। आप जनता से जाके पूछ सकते हैं, SDO ऑफिस में देख सकते हैं, इसका प्रूफ मेरा जनता देंगे। हम अपने मुँह से क्या बता सकते हैं, हमसे जो हो पाया है, जितना सुविधा सरकार से मिला है, नगर निगम से मिला है, उसको हम लाने में बहुत तन मन से मेहनत किए हैं और लाए भी हैं। इसका तो जवाब जनता मेरा देंगे। और जनता के बीच जब कोई बुलाते हैं जनता, तो कम से कम आप पूछ सकते हैं, दौड़ के हम जरूर जाते हैं, उनका दुख सुख में हम साथ देते हैं। और महिला हैं तो महिलाएं से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उनका ज़्यादा काफ़ी मदद करते हैं। जनता हमको फिर से प्यार देती है, सराहती है अगर लाती है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जनता हम ही को चुने, हम तो सबको कहते हैं, अभी तक हम किन्हीं को नहीं कहते हैं कि वोट हम ही को दें, क्योंकि जनता स्वतंत्र है, वो अपना कीमती वोट उन्हीं को दे जो उनके लिए अच्छा काम किया है और आगे करे, जिन पर उनका भरोसा हो। अगर हम अच्छा काम किए हैं तो हमको मजदूरी मिलेगा, अगर हम अच्छा काम नहीं किए हैं तो जनता स्वतंत्र हैं। इसलिए अगर इस बार हम फिर से जीत के आते हैं, पहले तो हम अपने कार्यकाल में बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए हैं, जो आप जाके देखते हैं, हम लोग के यहाँ कमेटी चलता है जो हम खुद अपना घर में भी चलवाते हैं, और थोड़ा थोड़ा लोन दिला के किसी को सब्जी बेचने के काम, किसी को पापड़ बनाने के काम, किसी को साया सी के पेटीकोट सी के बेचने के काम, फॉल पिको करने के काम, सिलाई मशीन चलाने के काम, अभी हमारे मदद से बहुत सारा महिला कम पैसा से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, जो कि खुद के कमा के घर चला रही है। और अगर फिर हमको जनता लाती हैं तो फिर से, अभी तो तत्काल में परसों हम एक बैठक कर रहे हैं जिसमें महिला लोग आएगी और बहुत कम फी में कंप्यूटर सिखाना, ब्यूटिशियन कोर्स सिखाना, सिलाई सिखाना और कपड़ा सी के बाज़ार में सेल करना, पेटीकोट ब्लाउज सब का काम करेगी, जो कि जीते या नहीं जीते उससे हमको मतलब नहीं है। हम और गरीब महिला सबको इकट्ठा करने के लिए मैसेज भी दे दिए हैं, अपना मोबाइल में ग्रुप बनाए उसमें डाल दिए हैं। हम चाहते हैं कि हम सीट पे आए या नहीं आए, लेकिन भरपूर हम जनता का सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, सेवा करेंगे, खास करके महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा चरवर के किए भी हैं और आगे भी हम करते रहेंगे।